मैं विजय कुमार गोस्वामी सर एंड साहू सर ट्यूशन क्लासेस से आज हम SST में क्लास 7 में जियोग्राफी चैप्टर 3 ठीक है अवर चेंजिंग अर्थ पढ़ने वाले हैं। हमारा जो अर्थ है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब मैं आपको पूछूंगा कैसे, तो आप बोलेंगे कि हमारी कॉलोनी में पहले रोड था वो नहीं है, नई बिल्डिंग्स बन गए हैं, ठीक है। तो हाँ, ये सब भी हम बोल सकते हैं कि हमारा अर्थ चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि हमारा अर्थ, ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब बदल रही है, पूरा घूम रही है अंदर से, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ जो है प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। इसके पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा क्रस्ट मेंटल, है ना। तो जो अर्थ है, ठीक है, ये हम देख रहे हैं क्रस्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, क्रस्ट जो है वो लिथोस्फेरिक प्लेट है, ठीक है। लिथोस्फेरिक प्लेट जो है मेंटल के ऊपर ऐसे तैर रहा है, ठीक है, जैसे हम बोलेंगे अगर आप चाय बनाते हो, ठीक है, या वाटर बॉइल करते हो, पानी गर्म करते हो, तो आप जैसे ही देखते हो कि वाटर जब गर्म होता है, पानी गर्म होता है, तो क्या होता है, जो वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है एक तो, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो वाटर होता है वो बॉइल करके, है ना, वाटर का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारा जो मोल्टेन मैग्मा होता है, वो मोल्टेन मैग्मा के कारण, मोल्टेन मैग्मा जब गर्म होता है ना, तो वो ऊपर जब उठता है तो वो क्या करता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, जो क्रस्ट होता है, उसको क्या करता है, धीरे धीरे, है ना, फ्लोट करते हैं उसके ऊपर, फ्लोट करते रहता है, जिसके कारण से हमारा जो अर्थ है, ना, अर्थ का जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, या बोल सकते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हम ऐसा बोल सकते, ऐसा पढ़ते हैं कि शायद पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट एक रहा होगा, है ना, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक रहा होगा, है ना। इसको देखो, ये पूरा जो है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ठीक है, ये है यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, थ्योरी क्या है, द लिथोस्फेरिक इज ब्रोकन इनटू सेपरेट सेक्शन कॉल्ड प्लेट्स, ठीक है। हमारा जो लिथोस्फीयर है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में क्या है, सेपरेट सेपरेट सेक्शन में ब्रोक है, टूटा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट, ठीक। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स स्टेट दैट द पीस ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर आर इन कॉन्स्टेंट स्लो मोशन ड्रेवन बाई कनेक्शन करेंट इन द मेंटल। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है जिसके कारण हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ है, और ये जो है बहुत स्लो मोशन कर रहा है, इतना स्लो मोशन कर रहा है कि इसको एक इंच हटने में, है ना, 1000 ईयर्स भी लग सकते हैं, मिलियन ईयर्स भी लग सकते हैं, इसीलिए हमको पता नहीं चलता। नहीं तो आप बोलोगे कि अगर अर्थ जो है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट है वो मूव कर रहा है, तो हमारा जो बिल्डिंग है या हम जो रहते हैं, तो हमको पता कैसे नहीं चलता है। तो ये बहुत स्लोली स्लोली चेंज होता है, ठीक है, बहुत स्लोली क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, स्लो मोशन ड्रिवन बाई कनेक्शन करेंट इन द मेंटल। इसका एग्जाम्पल आप वही जो आपको बताया मैं, चाय, ठीक है, जैसे आप चाय बनाओगे, ठीक है, या पानी बॉइल करोगे, वाटर बॉइल करोगे, तो उसके ऊपर आप क्या कर देना, एक कागज का टुकड़ा लेना और उसके ऊपर डाल देना। जब मम्मी घर में चाय बनाते रहेंगी, उस टाइम में आप क्या करना, कागज का टुकड़ा लेना और डाल देना, ठीक है। लेकिन ये आपका रिस्क है, हो सकता है मम्मी इसको देख के आपको 2-4 झापड़ मार दे, है ना, लेकिन कोई नहीं, अगर आपको सीखना है तो मार खाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करोगे तो क्या होगा, जैसे ही वाटर जब बॉइल होगा, तो वो जो आपने कागज जो डाला रहेगा, कागज का टुकड़ा, उसको वो कागज को क्या करेगा, वो जो वाटर है वो ऐसे किनारे पे ले जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है, मोल्टेन मैग्मा जब क्या होता है, वेपर, है ना, मोल्टेन मैग्मा जो है ऊपर जाता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या करता है, लिथोस्फेरिक प्लेट को साइड करने की कोशिश करता है, है ना। लेकिन ये बहुत स्लोली प्रोसेस है। अब हम देखेंगे एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। जो लिथोस्फेरिक प्लेट होता है, जब वो मूव करता है, तो उसमें टू टाइप्स के फोर्स अप्लाई होते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है एंडोजेनिक फोर्स और सेकेंड है एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स जो होता है वो अर्थ के अंदर, ठीक है, सरफेस का जो अंदर वाला पार्ट है, जो क्रस्ट मेंटल वाला पार्ट है, उस पार्ट में अप्लाई होता है। और वहीं पे जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है,
वो ऊपर अर्थ सरफेस के एबो में, ठीक है, जहां हम रहते हैं वहां पर अप्लाई होता है। तो इसके कारण कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। इट कॉसेस एंडोजेनिक में है, इट कॉसेस नेचुरल डिवेस्टेशन एंड फिजिकल चेंज इन द अर्थ सर्फेस लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स और वैलीज। देखो जब लिथोस्फेरिक प्लेट जो है क्या होता है, मूव होता है, जिसके कारण वोल्केनो बनता है। आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्यों होता, कैसे होता है, ठीक है। वैसे अर्थक्वेक आता है तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अर्थक्वेक हमारा का टॉपिक यही है, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन और वैलीज। लिथोस्फेरिक प्लेट जब घूमता है, मूव करता है, जिसके कारण से माउंटेन्स और वैलीज फॉर्म होते हैं। वहीं पर है एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स मैंने आपको अभी बताया कि ये अर्थ सरफेस के ऊपर होता है। अब अर्थ सरफेस के ऊपर जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, फिजिकल चेंजेस लाइक मशरूम रॉक्स, सी शोर, सैंड ड्यून्स, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि रिवर, ठीक है, अगर रिवर हो रही है तो अपने जगह पर क्या हो जाता है, टिल्ट हो जाता है, ठीक है, ये हो सकता है। रॉक फॉर्मेशन है ना, रॉक फॉर्मेशन आपके पिछले चैप्टर में पढ़ा है, वोल्केनो में है ना, वोल्केनो में कैसे रॉक्स होते हैं, थ्री टाइप्स के रॉक्स होते हैं, जो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनका फॉर्मेशन हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में यहां तक, आगे हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक, वोल्केनो।